नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज छात्रों के लिए जो जरूरी अपडेट आई है या जो जरूरी अपडेट जारी की गई है उसके बारे में ए टू जेड जानकारी आपको मिलने वाली है। आज की जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में, कौन सी यूनिवर्सिटी से आज लेटेस्ट अपडेट आई है और किन छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है ये आगे हम जानेंगे। और इस वीडियो में 4 से 5 बड़ी अपडेट आपको मिलने वाली जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटी से हैं और अलग अलग छात्रों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। हो सकता है आपको जानना जरूरी हो और आपके लिए अपडेट हो, तो ध्यान से वीडियो को समझिएगा। पहले बढ़ते सबसे पहली बड़ी अपडेट की ओर, उसके बाद इस वीडियो में रिजल्ट के बारे में जो जारी किए गए उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन जो पहली सबसे बड़ी अपडेट जारी की गई है वो ध्यान से समझिए, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए खासकर इंपॉर्टेंट है, यानी कि CCSU जो BA BSc BCom और MA MSc MCom के जो छात्र हैं उन्होंने अभी तक अपने प्रवेश परीक्षा के लिए अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो उनके लिए बहुत ही बैड न्यूज है, या फिर अगर उन्होंने नहीं कराया है तो अगर लेट होंगे तो उन्हें इस बार एडमिशन नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 25 सितंबर से PG के रजिस्ट्रेशन, 27 सितंबर से UG के बंद, यानी कि MA MSc MCom वाले जो छात्र हैं उनके जो रजिस्ट्रेशन है प्रवेश परीक्षा के लिए वो 25 सितंबर से बंद हो जाएंगे, और BA BSc BCom वाले छात्र हैं उनका जो है 27 सितंबर से रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे। तो आप लोग जल्द से जल्द इस तारीख से पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, ठीक है, नहीं तो आपको बाद में उसके लिए आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि अगर एडमिशन नहीं मिलेगा तो आप लोग प्रॉब्लम में हो ही जाएंगे, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पर भी बहुत सारी जानकारी आपको हम दे देंगे, तो आप लोग डीपली पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी अपडेट की ओर, जो अगली बड़ी अपडेट आ रही है वो दीनदयाल उपाध्याय यानी कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी की ओर से आ रही है। इसमें लिखा है कि BA BSc BCom के लिए जारी है प्रवेश, यह अगली कट ऑफ मेरिट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा है गोरखपुर विश्वविद्यालय ने 2021-22 में प्रवेश के लिए आयोजित BA BSc बायो, BSc मैथ, BCom और BSc होम साइंस काउंसलिंग प्रक्रिया जारी कर दी है। प्रक्रिया प्रवेश की प्रक्रिया शुक्रवार को भी जारी रहेगी, ठीक है। तो ये अपडेट है उन छात्रों के लिए जो कि DDU यानी कि दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। इसके बारे में डिटेल में अगर आपको जानकारी चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाए, वहाँ पर मैं और भी जानकारी डाल दूँगा, ठीक है। थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको इम्पॉर्टेंट हम बता रहे हैं इस वीडियो में। अगली बड़ी जो अपडेट है वो आ रही है कि DDU GU, आप सभी को मालूम है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो BA 3rd ईयर वाले जो छात्र थे, BA 3rd ईयर वाले, उनका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के BA 3rd ईयर के एग्ज़ाम रिजल्ट से जुड़ी ताज़ा जानकारी यहाँ पर अपलोड की गई है, और इन छात्रों की जो है रिजल्ट है वो जारी कर दिए। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी अपडेट की ओर, जो अगली बड़ी अपडेट आ रही है वो DAVV की ओर से आ रही है। DAVV में जो BSc 2nd ईयर के जो छात्र थे उनका रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया है। अगर वो भी छात्र BSc 2nd ईयर वाले अपना रिजल्ट डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो वो देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के ऑफिशियल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अपना डाउनलोड कर सकते हैं रिजल्ट, अगर इस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो। लगभग लगभग सभी यूनिवर्सिटी में BSc BA BSc BCom के जो छात्र हैं अंतिम वर्ष वाले यानी लास्ट ईयर वाले, 3rd ईयर वाले, उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया। अब बात यहाँ पहुँच गई है कि 1st ईयर 2nd ईयर वालों का रिजल्ट कब जारी किया, यानी जो प्रमोट हुए उनका रिजल्ट भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। जैसे भी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई नोटिस आएगी हम आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन अभी कोई अपडेट नहीं है, जैसे भी आए हम आपको इन्फॉर्मेशन कर देंगे। मिलते हैं आपको इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।